मेन जो यहाँ की समस्या है लोगों की वो है गैस की रेट्स, क्योंकि गैस की रेट्स बढ़ने से जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गई है। कई जिले ऐसे हैं जब पिछले साल ही लाइट आई है, पहली बार उन्होंने देखा कि लाइट होती है। सरकार की मंशा यही है कि ज्यादा कमाने वालों से ज्यादा लेंगे, कम कमाने वालों से कम लेंगे। जैसे सैलरी में 7 लाख का हो गया तो निश्चित रूप से इससे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, जो हमारे जवान है, उनको निश्चित रूप से फायदा पहुंचेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से KIA के इस स्पेशल एपिसोड में। आज हम डिस्कस करेंगे जो आज बजट आया है 2023 का, उस बजट पर मंथन करेंगे। और बजट पर मंथन करने के लिए दो स्पेशलिस्ट हमने आज अपने पैनल में बुलाए हैं। अंशुल जैन जी CA हैं, और अंशुल जैन जी 2016 पास आउट हैं, 6 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस फील्ड में। और अंशुल अग्रवाल जी सन ऑफ मिस्टर पवन अग्रवाल जी CA, जो कि वेल नोन है फिरोजाबाद के लिए। तो 2008 से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, 14 ईयर्स आपको हुए हैं, एक लंबा एक्सपीरियंस होता है। ये बस कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए हम एडवोकेट साहब और CA साहब कह सकते हैं। बिल्कुल 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 ठीक है। तो अंशुल जी, एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है एडवोकेट में और CA? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मुझे अपने किया चैनल पे बुलाया और मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं बजट में आपके दर्शकों के सामने अपनी बात रख सकूं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो दर्शक इस समय देख रहे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये आपने जो प्रश्न पूछा ये बड़ा कंट्रोवर्शियल प्रश्न है। देखिए, पहली बात तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, प्रोफेशनल्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक वैल्यू है। अगर हम एक बात करें तो जैसे एडवोकेट है हम सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक आपने सुना होगा कंपनी सेक्रेटरी होते हैं। तो जैसे कंपनी सेक्रेटरी जो होते हैं उनका बेसिक होता है फॉर कंपनीज, कंपनी लॉ अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैंडेटरी काम हैं, सर्टिफिकेट्स हैं जो CS को ही साइन करने हैं। इसी तरीके से CA इंस्टीट्यूट ICI जो CA की डिग्री देते हैं, आपका भी एक बेसिक काम है ऑडिट का फॉर द अकाउंटिंग जी। तो क्योंकि आपको ये स्पेशल पावर मिली हुई है कि बैलेंस शीट्स या P&L में सर को अपने साइन करने पड़ते हैं ऑडिटेड। ऑडिटेड का मतलब होता है सर्टिफाइड जी, मतलब जो सर ने अगर साइन कर दी बैलेंस शीट, उसमें अगर बैंक में अगर आप देखें असेट साइड में, लाइबिलिटी साइड में, असेट्स में अगर बैंक डली हुई है तो उसका जो बैलेंस आ रहा है दैट मींस कि इट इज सर्टिफाइड विद द बैंक बैलेंस। ठीक है, इट इज ऐसे ही सेम होता है डेटर्स क्रेडिटर्स, सर ने अगर उस पर साइन किए हुए हैं तो इसका मतलब है कि वो सर्टिफाइड है, सर ने अपना चेक किया हुआ है अपने विवेक से पूरा। ठीक है, हम एडवोकेट्स हैं, हम लोग बेसिकली फॉर द लीगल मैटर्स, जो जितने भी लॉ एक्ट्स आते हैं उसमें सेक्शन सब सेक्शन रूल्स, उनके हिसाब से कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए या व्हाट लॉ प्रिवेल्स, हम लोग बेसिकली उसको डिफाइन करते हैं। तो डिफरेंस तो खाली ये माने अगर हम आसान भाषा में कहें तो CA जो होते हैं वो एक बिजनेस को के अकाउंट्स को क्लियर करने के लिए और उनको सर्टिफाई करने के लिए होते हैं, और जो एडवोकेट होते हैं वो उनके बाद की चीज है। अगर उसमें कुछ डिस्प्यूट होता है या कोई दिक्कत होती है तो उसको हैंडल करने के लिए आप लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन जो आज का हमारा पॉइंट है, जो आज का मुद्दा है, जो आज की जो चर्चा है, जो हम करने वाले हैं हमारे दर्शकों के लिए, कि उनको क्या हमारा जो आज का बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है 2023 के लिए, तो क्या 2023-24 में एक आम आदमी को उसका फायदा होने वाला है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक बजट की हाईलाइट आप लोग जरा हमें बताएं दर्शकों को, कि इस बजट में मेन मेन क्या पॉइंट हैं जो उन्होंने रखे हैं। सबसे पहले आप सर, आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, आज हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट पेश किया संसद में, निश्चित रूप से वो बजट अच्छा है, सराहनीय है, जो लोग बाग उम्मीद कर रहे थे उनके मुताबिक है। लेकिन हाँ, जितना उम्मीद कर रहे थे उसके मुताबिक भी नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ ना कुछ सबको देने की कोशिश की। अब आपने अभी बोला हाईलाइट्स के लिए, तो देखिए आम जनता जो देख रही है, आम जनता को बजट से कोई बहुत ज्यादा
मतलब भी नहीं होता ना कोई फर्क पड़ता, क्योंकि ये जो ये सब आंकड़ों का खेल है और आंकड़ों का खेल एक बिजनेसमैन के लिए होता है। तो मुझे तो ये लगता है कि आम जनता को सिर्फ वो बातें जरूर समझनी चाहिए जो उनको उनके ऊपर फर्क डालती हैं। एग्जैक्टली जी। तो इसमें सबसे मेन बात तो ये सब भी बताएंगे अभी, जो हम लोग आप सब लोग टैक्स रिटर्न्स भरते हैं उसमें जो मेन है मुझे लगता है वो आपसे संबंधित बातें हो सकती हैं। जी। और किस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ज्यादा हाईलाइट करना चाहती है इस बार बजट में, उनकी दिशा किस पर ज्यादा प्रोत्साहित करने की है उस पर एक गौर करा जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे नए यूथ कमर्स हैं उनको यही नहीं पता होता कि उनको किस फील्ड में जाना। जी। तो अगर हम उस प्रोस्पेक्टिव से देखें कि जिसमें सरकार रोजगार मुहैया कराना चाहती है, जिस फील्ड को वो आगे बढ़ाना चाहती है, उसमें अगर हमारे टैलेंटेड जो नए यूथ है वो उनकी हम एनर्जी उनकी अगर हम यूज करें उनको और उनको मदद करें, तो शायद हमारा देश जो हम आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात करते हैं वो बहुत इजीली अचीव हो सकती है, क्योंकि यूथ में एनर्जी बहुत होती है। तो इसी संबंध में मैं यही कहूँगा कि जैसे आज का मैंने देखा तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में मछली पालन केंद्र फिशिंग उसको गवर्नमेंट ने जो एनिमल हस्बेंड्री होती है उसमें 6,000 करोड़ का फंड अलॉट किया है जी, कि अगले 30 सालों में। तो मछली पालन केंद्र वगैरह पहले ये कोस्टल एरियाज के रहते थे, मेन कभी भी उसमें नहीं आता था, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने उसको सेंट्रली बजट में रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है ये एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, और ये सबको पता है इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ेगा तो इंडिया की ग्रोथ बढ़ेगी। जी, आपके तरफ से क्या हाईलाइट है? मेरी तरफ से गवर्नमेंट का फोकस 3 पॉइंट पर अगर आप कह सके, अगर मैं समरी में बात करूं जी, जैसे गवर्नमेंट का शुरुआत से स्लोगन है कि सबका साथ सबका विकास, जी, तो सबका साथ सबका विकास की जो बात करते हैं तो वो सारे फील्ड की बात करते हैं, उसमें एग्रीकल्चर की उन्होंने बात करी, उन्होंने रेल बजट भी, अब इसमें मर्जी हो गई कि रेलवे बजट भी हमारे इसी में आना है, और टेक्निकल गवर्नमेंट का जैसे अभी नोटबंदी के बाद सारा का सारा फोकस इनका ये भी हो गया कि आप टेक्निकली मूव करें जी। एआई की बात इस बार बहुत नहीं हुई, कैशलेस पेमेंट की बात, कैशलेस पेमेंट की बात, और एक नई बात जो हुई बजट में एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि हम एआई के लिए इंस्टीट्यूट खोलेंगे यहाँ पर और लोगों को बताएंगे कि एआई क्या है और इस तरह से डेवलप करेंगे इंडिया एआई में आपका टॉप पे आ जाए। अब एआई क्या है ना, अगर आप मैं जनरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर मैं जनरल वे में शॉर्ट में बताऊं कि आज जो काम ह्यूमन कर रहा है ना, तो मशीन लर्निंग जो कहते हैं जिसको कहते हैं कंप्यूटर लर्निंग या मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग बहुत सारा काम ऐसा है जो आदमी आज जो छोटा छोटा काम हाथ से कर रहा है वो मशीन 1 सेकंड में कर देती है, तो वो एआई है। आगे आने वाले टाइम पे एआई इतना इंप्रूव हो जाएगा कि छोटे छोटे से काम, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम हो या छोटा टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड काम हो या अगर आप बात करो इंजीनियर से रिलेटेड प्रिंटिंग का वैसा काम हो, जो छोटे लेवल पे काम होता है वो काम एआई अपने आप ही कर देगी, वो जॉब्स खत्म हो जाएंगी। अब वो जॉब्स खत्म हो जाएंगी तो हमारे पास क्या बचेगा? इसीलिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि एआई का डेवलपमेंट ही इंडिया में हो और ताकि यहाँ के यूथ को एआई बेस्ड काम भी मिले, पहला चीज। अच्छा, इसके अलावा एग्रीकल्चर पर उन्होंने फोकस किया, बिल्कुल एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने स्पेसिफिक एक बजट डिफाइन किया, भाई इतना हम बजट अलॉटमेंट कर रहे हैं जो हर साल आप करते भी हैं, और कुछ एग्जम्पशन उन्होंने दिए कि एग्रीकल्चर अगर आप कर रहे हो तो आपको इतने साल की रिबेट भी मिलेगी। सेकंड, एक थर्ड मैं बात करूँ वुमन एम्पावरमेंट में, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी गवर्नमेंट ने कि आप जो छोटे मतलब वुमेन्स वगैरह एरिया में 2 लाख तक की आप एक स्कीम उन्होंने दी है छोटे अमाउंट पर, वो आपको टैक्स में बेनिफिट भी देगी और वुमेन एम्पावरमेंट में काम भी करेगी। और बाकी टैक्सेशन से रिलेटेड और बाकी ये सारे पॉइंट्स तो हैं कि अलग अलग सेगमेंट में उन्होंने अपने अपने बजट बताए कि भाई इतना ये योजना, काफी मल्टीपल योजनाएं हैं वो आई हुई है। चलिए, सीए साहब, एक मतलब ये तो सारी बातें जो हैं वो पब्लिक के शायद ऊपर से जा रही होंगी, तो एक आम आदमी के लिए, माने जो एक एक कॉमन मैन है जो एक 10-20-30 हज़ार रुपये तक की उसकी इनकम है, उसके लिए क्या बेनिफिट्स हैं इस बजट में?
अगर मैं बात करूं, अगर 10-20-30 हज़ार रुपए की इनकम है अगर किसी की, अराउंड 3,60,000 उसकी इनकम होगी, तो उसकी टैक्स बेनिफिट में पहले भी 5 लाख तक की हमारी रिबेट थी। 5 लाख तक की रिबेट में अगर मैं बात करूं, रिबेट हमारी जो टैक्स लेवल अगर मैं 2.5 लाख तक है, 2.5 लाख से हमारा 5 लाख पर उन्होंने 12,500 रुपए की 87A की रिबेट दी हुई थी, तो 5 लाख रुपए तक की कोई टैक्स पर इनकम टैक्स नहीं लगता था। तो अगर 30,000 रुपए की अगर मंथली इनकम है तो 3,60,000 रुपए की हमारी एनुअल इनकम होगी जी, तो उस पर पहले भी टैक्स नहीं था और अभी भी टैक्स नहीं है। बट इन्होंने बेनिफिट इस बार क्या दिया, इन्होंने 87A की रिबेट जो 12,500 थी उसको बढ़ा के इन्होंने अराउंड 20,000 कर दिया। उससे क्या हुआ, जो अब आम भाषा में लोगों को जैसे ये समझ में आ रहा है कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, अब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो वो 7 लाख तक का टैक्स नहीं है केवल रिबेट की वजह से, 87A की रिबेट की अमाउंट उन्होंने बढ़ा दी है। और सेकंड थिंग, स्लैब रेट आपकी जो 2.5 लाख तक थी, 2.5 लाख से ऊपर 5% टैक्स लगता था 5 लाख तक की इनकम पर, अब वो उन्होंने 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से लेके 6 लाख तक उन्होंने टैक्स कर दिया 5% का। नहीं तो जैसे अभी हमने कहा कि 30,000 रुपए अगर उसकी इनकम होती है तो वो 3,60,000 रुपए पहुंचता है, उसके लिए पहले भी कोई टैक्स नहीं था इनकम टैक्स में और अभी भी कोई इनकम टैक्स में टैक्स नहीं है। अच्छा, जीएसटी सबके लिए बराबर है, जीएसटी में कोई स्पेसिफिक बहुत ज्यादा पॉइंट में चेंज नहीं है, उनके फ्रीक्वेंट चेंज आते रहते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, ये जो 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया टैक्स बेनिफिट, 5-7 लाख तक में अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर ये जो 2.5 लाख से 3 लाख वो जो टैक्स का स्लैब है, ये स्लैब क्या है और वो जो 7 लाख का वो छूट है वो क्या चीज है, दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें हमको ये समझना पड़ेगा, किसी की भी हमें इनकम पे जब टैक्स लगाना है तो हमें टोटल इनकम के स्लैब्स बनाने पड़ते हैं। अच्छा, कि आपके एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक तरह सीढ़ियां हैं, ठीक है, अलग अलग, तो 0 से 3 लाख तक जैसे अभी इसी तरह बताया एक स्लैब बना दिया उन्होंने, ठीक है, अगर आपकी इनकम 3 लाख तक में आती है तो आप उस स्लैब में आते हैं, 3 से ऊपर तो अब आप उससे ऊपर वाले स्लैब में आ गए, ठीक है, तो वो 3 से ऊपर वाले स्लैब वो 6 लाख तक है, ठीक है, 6 से 9 है, 9 से 12 है, 12 से 15 है, फिर 15 से ऊपर है, ठीक है, तो ये स्लैब रेट्स हैं, ये तो होता है आपकी टोटल इनकम, सिर्फ इस बात को बताने के लिए कि आप किस स्लैब रेट में आते हैं, ठीक है। अब इसमें जो सर ने बात बताई कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है या जो रिबेट है, ये उसके सरकार ने अलग अलग स्लैब रेट के कुछ आपको एग्जेम्पशन दे रखे कि अगर आप इस स्लैब रेट में आते हैं तो जो भी आपका टैक्स बनेगा वो आपको नहीं देना। अच्छा, अब आपका सपोज मान लीजिए आप 9 लाख वाले टैक्स स्लैब में आते हैं, ठीक है, तो जब आप 9 लाख वाले टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपके ऊपर भाई यहां तक का जितना भी टैक्स है 9 लाख तक का तो वो तो पहले कैलकुलेट हो गया प्लस ये वाला टैक्स कैलकुलेट हो गया, तो अब आपको ये टोटल टैक्स देना है। वहां पे सरकार ने कहा कि हम आपको नीचे की छूट नहीं देंगे। अच्छा, सरकार ने कहा लेकिन अगर आप 7 लाख तक है तो 7 लाख तक पे भी आपका टैक्स बन रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने यह कहा कि 7 लाख तक का जो टैक्स बन रहा है वो हम आपको छूट दे देंगे, हम माफी दे देंगे, हम आपको आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो टैक्स कैलकुलेशन जो टैक्स स्लैब रेट है वो तो कैलकुलेशन के काम आती है, और जो ये रिबेट है ये इसके काम आती है कि जो हम पे टैक्स बना वो हमें कितना सरकार को देना है। वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं गवर्नमेंट छोटे व्यापारी को एक मदद करना चाहती है कि भाई मुझे 12,500 रुपए का टैक्स पहले नहीं दिया जाता, भाई मैं इनकम तो मेरी है, बढ़ाना भी चाहता हूँ, बट अब मेरे पास 12,500 रुपए टैक्स के रूप में भाई इतना नहीं दे पा रहा हूँ मैं, तो उन्होंने कहा ठीक है आप 5 लाख तक की आपकी इनकम है, आप छोटे व्यापारी हो, आपको हमने 12,500 रुपए की छूट दे दी, लेकिन आप 7 लाख की इनकम पहले जैसे आप 8 लाख की इनकम हो गई, तो उन्होंने कहा नहीं अब आप बड़े व्यापारी हो गए, आपकी इनकम बड़ी हो गई, अब हम आपको छूट नहीं देंगे, आपको 12,500 भी देना पड़ेगा और जो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आगे आ रहा है वो भी देना पड़ेगा। अच्छा, यही चीज उन्होंने अब उन्होंने छोटे व्यापारी की पहले 5 लाख तक के वो छोटे व्यापारी मानते थे, अब उन्होंने कर दिया आप 7 लाख तक भी इनकम है तब भी आप छोटे व्यापारी हो, आपकी इनकम 7 लाख भी है तभी भी हम आपको वही छूट दे देंगे जो पहले दे रहे थे, हम आपकी छूट में दायरा 12,500 से 20,000 का कर रहे हैं। अच्छा, पर इसमें एक छोटा सा पेच है, वो वकील साहब को भी पता है और मुझे भी पता है, पेच क्या है, 2 रिजिम हो गई है इनकम टैक्स में, आप ये कह सकते हैं एक वकील साहब वाले पाला एक हमारा पाला, मतलब ऐसे है सरकार ने टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके निकाले। अच्छा, एक तरीका जो हमारे पास पहले से मौजूद था ओल्ड रिजिम जिसका नाम दिया जिसको ओल्ड रिजिम नाम दिया, और एक सरकार ने नया
पद्धति नए तरीका निकाला है कैलकुलेट करने का, उसको न्यूरिज्म नाम दिया। अच्छा, तो बस जो ये फर्क आया है, ये 7 लाख का जो ये फर्क है, ये न्यू टैक्स रिजिम में है, ओल्ड टैक्स रिजिम में इसका कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, मतलब अगर आप पुराने तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हैं, ओल्ड रिजिम में ही रहना चाहते हैं, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है, जो था वही है। अच्छा, मतलब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें उसमें जाना है कि नहीं जाना है, आपके पास चॉइस है। अच्छा, आप ओल्ड में रहना चाहते हैं या न्यू में आना चाहते हैं, बट आप वन टाइम चॉइस अगर आपने कर लिया, अगर आप न्यू में आ गए अभी, तो नेक्स्ट फिर वापस नहीं जा सकते, स्टेप बैक का कोई ऑप्शन नहीं है, आपने एक कदम मूव कर लिया तो वो हो गया। ठीक है, तो कहीं इसलिए बनाया आगे चलते बड़ा वाला खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये हो सकता है कि नाम ये दिया है ना, ओल्ड रिज्म और न्यू रिज्म, अगर आप उनकी वर्डिंग में भी सीतर में की वर्डिंग में आप सुनेंगे, तो उन्होंने यही बोला कि ओल्ड रिज्म और न्यू रिज्म, न्यू रिज्म टैक्स अगर नाम दिया तो मे बी क्योंकि वो नए की बात कर रहे हैं, तो आगे बढ़ के उसको ही का मैंने एक तरीके से आप जैसे हमारा फोन ना आसान भाषा में हम कहेंगे तो फोन में अपग्रेड आता है, तो उस तरीके से उन्होंने अपग्रेड तो कराया। अब आप चाहते हैं अपग्रेड करना तो आप कर सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने एक बार अपग्रेड कर लिया तो आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते। जी ऐसे ही आसान भाषा में यही। ठीक है, चलिए ये हमने अभी टैक्स की बात की। ठीक है, अब टैक्स के साथ साथ में ये मुझे ये बताइए कि ये जो ये सरचार्ज जो होता है, हांजी, ये सरचार्ज का क्या है? सरचार्ज मतलब आप समझो सर्जी पे जो चार्ज लगता है ना, वो सरचार्ज है। अच्छा, सर्जी पे चार्ज मतलब अगर आप अब आप छोटे व्यापारी नहीं रहे, अब आप बड़े हो गए, ठीक है, आपका इनकम 1 करोड़ से ऊपर है। अच्छा, 1 करोड़ से ऊपर इनकम है, 2 करोड़ से ऊपर इनकम है, 3 करोड़, मतलब 1 CR से ऊपर इनकम वालों के लिए सरचार्ज लगाती है गवर्नमेंट। कहती है कि अभी तक आप 1 CR तक इनकम है, आप ठीक है, आप बेसिक में आ रहे हैं, हम आपको जो टैक्स रेट जो छोटे 5 लाख वाले से ले रहे हैं उसी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपसे भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपकी 1 CR से ऊपर इनकम है एनुअल, अब आप सर बन गए हो। अच्छा, तो सर बन गए हो तो चार्ज तो देना पड़ेगा ना, तो सरचार्ज आपके मतलब उसके अकॉर्डिंग 1 CR से ऊपर अगर आपकी इनकम आती है तो आपकी इनकम पर सरचार्ज भी देना पड़ेगा। हाँ, टैक्स तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ में सरचार्ज अलग से देना पड़ेगा। वो आप सर बनने का चार्ज है। ठीक है सर, बिल्कुल, जैसे ये कहते हैं ना इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्सेशन है, मतलब जिसकी जितनी कमाई उससे उतना टैक्स। तो इस बात पे बहुत सारा भ्रम भी है हमारे समाज में कि टैक्स बराबर नहीं, हमसे भी उतना ही चार्ज करते हैं और बड़े व्यापारी से भी उतने, उनसे भी उतना ही चार्ज करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से कि जो सरचार्ज है वो एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी है और वो उन पे लगती है जिनका एनुअल इनकम एक सरकार ने जो लिमिट दे रखी है 50 लाख या उससे ऊपर, उनकी अगर इनकम इतनी पहुंच जाएगी तो उनसे टैक्स के ऊपर भी एक टैक्स लगता है, वो लिया जाएगा। यानी कि सरकार की मंशा यही है कि ज्यादा कमाने वालों से ज्यादा लेंगे, कम कमाने वालों से कम लेंगे। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसमें तो सभी व्यापार जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनको एक एक ही रेट पे प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, सब लोग एक ही टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स एक ऐसा है जो प्रोपोर्शनेट करता है आपकी इनकम से। तो जो सरचार्ज है वो आता है स्पेसिफिक, एक लिमिट है 50 लाख से ऊपर की जिनकी इनकम है उनके ऊपर से सरचार्ज लगेगा, उनसे नीचे वालों पर नहीं लगेगा। छोटे मतलब उन्होंने उसको सोचा है कि आप इनकम आपकी कम है तब तक आप कोई सरचार्ज देने की जरूरत नहीं, आप जो नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग आप देते रहे, और जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है तो वहां पे बढ़ी हुई इनकम पे आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। अच्छा, वो सबके लिए अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, बट GST तो सबके लिए बराबर ही होता है, उसमें तो कोई किसी के लिए कोई छूट नहीं है। प्रोडक्ट वाइज है, वो प्रोडक्ट पर है कि अगर आप फोन ले रहे हैं तो उस पर 18% आपको टैक्स देना है, अगर आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं तो सेस भी देना है और वो भी देना है, वो इंक्लूसिव होता है, कई बार MRP में इंक्लूज हो जाता है और कई बार प्रोडक्ट पे अलग से भी ट्रेडिंग पर भी लगता है। तो वो ऐसा नहीं है, वो आपके लिए अगर आप फोन लेके आओगे तो आपके लिए 18% अलग हो जाएगा, मेरे लिए अलग हो जाएगा, बट वहाँ डिफ्रेंशिएट वो कर देते हैं कि अगर आपकी रॉयल गुड्स है, गुड्स में भी अगर कैटेगरी अगर हम डिफाइन करें, 3 तरह के गुड्स होते हैं, नेसेसिटी वाले गुड्स जो आम रोटी कपड़ा मकान, नेसेसिटी वो उसकी जरूरत है ही है, वो उसको खरीदना ही खरीदना है, जो जैसे हम छोटे फोन ले रहे हैं अपना नॉर्मली वही 15-20 हजार रुपए का, 25 हजार फोन ले रहे हैं। रॉयल गुड्स में अगर हम बात करें जैसे आईफोन आ गया,
मर्सिडीज की अगर हम बात कर रहे हैं, बड़ी कार्स की बात कर रहे हैं, तो वो बड़ा टैक्स, तो वहां पर वो एडिशन जीएसटी में भी लेते हैं। अच्छा, बड़े लोगों से आप ये बात, अगर फोर सीटर कार का टैक्स रेट अलग है और सेवन सीटर कार का टैक्स रेट अलग है, और फोर सीटर में भी अगर आप मारुति की या नॉर्मल गाड़ी बात करोगे तो उस पर टैक्स रेट अलग है, और आप अगर ऑडी पे या उधर चले गए ऊपर वाले कोर्ट पे तो वहां पर टैक्स का भी अलग, जीएसटी में भी आपको अलग टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल, मतलब जीएसटी के अलावा आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ जी, जीएसटी में भी सेस लग जाता है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, जीएसटी के कुछ में रेट्स में भी फर्क आ जाता है। अच्छा, जैसे इस पे सरचार्ज लगता है ऐसे उस पे सेस लग जाता है। सेस लग जाता है, ठीक है। तो जीएसटी पे इसका कोई फर्क नहीं है, जीएसटी तो जैसा था वैसा ही है। जीएसटी के चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट आते रहते हैं ऑलमोस्ट, बजट के अलावा भी इनकम टैक्स के चेंज ऑलमोस्ट बजट में ही आएंगे। ठीक है, इनकम टैक्स का चेंज आएगा तो वो आज, जैसे आज जो डिफाइन हो गया ना, वो नेक्स्ट ईयर तक अपना चलेगा। बट जीएसटी एक ऐसी चीज है वो नॉर्मल ट्रेडिंग में कभी भी आ सकता है, आ सकता है। कारण क्या है कि अगर कोई भी बाहर कोई फॉरेन में चेंजेस हुआ उसके अकॉर्डिंग हमें आज चेंज करना पड़ेगा, तो वो आज ही नोट, एक दिन पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आज टैक्स रेट हमारी 18% की जगह हम 12% हम लगा रहे हैं, तो वो हो सकता है दो दिन बाद तीन दिन बाद चेंज भी हो जाए। जीएसटी के जो इनडायरेक्ट टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका जो निर्णय लेना है वो सीबीआईसी लेती है। अच्छा। जो हमने जीएसटी काउंसिल जो बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है। तो जीएसटी काउंसिल, जीएसटी से जितने भी संबंधित जितने भी निर्णय होते हैं, जो भी संशोधन होते हैं, वो पूरे साल में जीएसटी काउंसिल द्वारा दिए जाते हैं और सरकार के द्वारा उसको नोटिफाई किया जाता है। अच्छा, और जो इनकम टैक्स है ये असल में ये इनकम टैक्स भी नहीं है, इनकम टैक्स में भी बीच बीच में कभी संशोधन आते हैं तो वो सीबीआईसी सर्कुलर्स देती है, क्लैरिफिकेशंस देती है, नोटिफिकेशंस निकालती है। ये बात हुई है बजट की, तो बजट में मेन सरकार का लक्ष्य ये होता है बताना कि पूरे साल में हम कितना टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहते हैं और कितना हम कहाँ कहाँ इसको लगाएंगे, खर्च करेंगे, जिससे कि जो भी कमजोर सेक्टर है हमारे देश का उस सेक्टर को प्रोत्साहन मिले। चलिए उसी बात पर आते हैं। अब आप ये बताइए कि इस बार जैसे कि सीतारमन जी ने कहा कि वंचितों को हम वरीयता देंगे, तो किस तरह के वंचितों को वरीयता देंगे और वो वरीयता क्या होगी? जैसे इसमें सीतारमन जी ने जो ये बात करी हम वंचितों को वरीयता देंगे, इसका मतलब ये है कि हम अपॉर्चुनिटी देंगे। उन्होंने एक बहुत अच्छा इस बार सरकार ने निकाला है, जो बेरोजगार योजनाएं हैं MSME के थ्रू वो लोगों को 1% कम ब्याज पे ऋण उपलब्ध कराएंगे नए स्टार्टअप्स। अच्छा, कि जो नया यूथ है, जो नए लोग हैं, जो नया बिजनेस करना चाहते हैं, वो अगर MSME में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और वो अगर लोन लेना चाहते हैं, कोई अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी एक महत्वाकांक्षी योजना है। बिल्कुल, उसी चीज को बढ़ावा देते हुए, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हमारी ऑनरेबल प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर ने ये चीज निकाला है कि उनको 1% कम ब्याज पे उनको लोन उपलब्ध कराया जाएगा और उनको बाकी की और भी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी टू ईज डूइंग बिजनेस। ठीक है, चलिए, आपने थोड़ी देर पहले बात की थी फिशिंग वेंडर्स की और एनिमल जो हस्बेंड्री, जी एनिमल एनिमल हस्बेंड्री की बात की, तो इसमें पहले क्या था और अब क्या बदलाव हुआ है? पहले एनिमल्स जो होते थे, मवेशी जो होते थे, वो कोई हमारा, मतलब वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में आता था, लेकिन कभी सरकार ने उसको बहुत बड़ा ध्यान नहीं दिया, कभी वो सेंट्रल उस पर नहीं आता था, वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रहता था। स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग, स्टेट्स की गवर्नमेंट्स अलग अलग अपनी योजनाएं निकालती रहती थी मवेशियों के लिए, ये मछली पालन केंद्र के लिए, ये सब स्टेट वाइज था। इस बार गवर्नमेंट ने उसको सेंट्रली लेते हुए और एग्रीकल्चर सेक्टर से जोड़ते हुए उसका उत्थान के बारे में बताया है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा स्टेप है। और इससे जो हमारे किसान मजदूर जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती थी कुछ पॉलिसीज की वजह से, स्टेट पॉलिसीज होने की वजह से, अब उनको सेंट्रली जब देखेगा, सेंट्रल देखेगा, तो उनको मुझे लगता है कि फायदा पहुंचेगा और इससे निश्चित रूप से हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो भी होगी और जो रख रखाव है मवेशियों का,
क्योंकि सरकार का ये भी कहना है कि मवेशियों से बहुत सारी चीजें आती हैं, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सब मवेशियों के द्वारा आते हैं, उनके दूध वगैरह से। तो हम इसमें अगर हम ध्यान दें और इसको करें तो ये भी बहुत बड़ा सेक्टर है, इससे भी हम बहुत अच्छी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। चलिए एनजीओ की बात की, तो एनजीओ के लिए क्या बेनिफिट है? एनजीओ के लिए गवर्नमेंट हमेशा से देखो एनजीओ को प्रमोट करना चाहती है। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अपन बेसिक में बता दूं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये होती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट, अब जैसे गवर्नमेंट ने एक एसएचजी ग्रुप करके, अभी सीतारमण जी ने भी हमने बात करी कि एसएचजी हम सेल्फ हेल्प ग्रुप खोलेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप, अच्छा एसएचजी तो पहले से भी चल रहे हैं, बट एसएचजी को अभी तक रजिस्टर्ड भी नहीं थे। अच्छा। कहीं आपका किसी का पेन भी नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है उसके बारे में कि एसएचजी से भी क्या बेनिफिट होने वाला है, या एसएचजी को किसी लेवल पे आप लेवल ही नहीं दिया गया था। बात होती थी हमेशा से कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे, लेडीज के लिए हम बेनिफिट देंगे, बट उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं था। आज अगर मैं बात करूँ ग्राम पंचायत में, उन्होंने स्पेसिफिक बोल दिया आप एसएचजी बनाओ, उनका पेन रजिस्टर्ड कराओ, और उसके बाद हम उस पेन के बेसिस पे आपको काम देंगे, ताकि एक नाम हो कि भाई जैसे हम बाकी एनजीओस को हम पेन रजिस्टर्ड करा के दे रहे हैं, एसएचजी का भी आप पेन बनवाओ। पेन बनता है, एक नंबर मिल जाता है आपको, एक ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है भाई मेरे 10 लोगों का ये एसएचजी भी चला रहा है। एक तरीके से एसएचजी को लघु उद्योग में लेके जा रहे हैं, लघु उद्योग की तरफ वो आगे लेके जा रहे हैं। सेम चीज एनजीओस में भी गवर्नमेंट का ये फोकस है कि भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का काम तो यही होता है कि भाई प्रॉफिट नहीं बना रही है बिल्कुल भी, तो प्रॉफिट नहीं बना रही तो वो क्या चाहती संस्था कि भाई हमारे को टैक्स बेनिफिट तो कोई दिक्कत ऐसा कोई टैक्स तो लग ही नहीं रहा, बट हमारे को गवर्नमेंट से प्लेटफॉर्म तो मिले कि अगर हम आगे बढ़ के किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से हमें क्या सपोर्ट मिल रहा है, तो गवर्नमेंट उस पर ग्रांट देती है। और अब जैसे अगर मैं बात करूं, उन्होंने कॉर्पोरेट से 2% वो लगाया हुआ हमारा कॉर्पोरेट सीएसआर एक ऐसा फंड है जो केवल बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनी एनजीओस को देती है, अच्छे एनजीओस को जी। उनका क्राइटेरिया होता है कि भाई वो हर कंपनी को देना ही देना है। आप इनकम अगर आप अर्न कर रहे हो, आपका एक स्पेसिफिक उन्होंने दे रखा है कि अगर आप इतनी इनकम से या इतना आपका टर्नओवर जाता है या इतनी आपकी कैपिटल जाता है तो आपको 2% ऑफ प्रॉफिट आपको केवल सीएसआर में खर्च करना है। बहुत सारी कंपनीज इसलिए आपने खुद के सीएसआर बना लेती है। इस चीज पर भी उन्होंने प्लानिंग बिठाई है कि ऐसा नहीं कर सकते आपकी अपनी ही कंपनी के थ्रू आप सारा करा रहे हो और उसमें सारा का सारा फंड आपका गोल हो रहा है। तो वो जो 2% का पैसा है सही एनजीओस को मिले और वो एनजीओ सही कामों में लगाए, क्योंकि अब एनजीओस में भी देखो तो आदमी जब उसको दिखता है मुझे बेनिफिट होने वाला है कुछ ना कुछ तो वो फायदे के लिए भी वैसा करता है, तो उस चीज को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं आप बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन आप करें और सारे के सारे खर्चे का पूरा रजिस्टर उसको मेंटेन करके चलें और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसका ऑडिट भी करेंगे। ठीक, सेक्शन 8 कंपनी होती है हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो एनजीओ कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड होती है और वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसको देखता है। अगर आप सेक्शन 8 में आप रजिस्टर्ड अपनी कंपनी को करा लेते हैं तो आप एक तरह से रजिस्टर्ड एनजीओ हो गए और आप गवर्नमेंट की नजर में है। और जैसे आप कह सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट आपको सीएसआर की फंडिंग दे सकता है वो रजिस्टर्ड बंदे को ही देगा, तो वो है एनजीओ के लिए गवर्नमेंट ने काफी कुछ सोचा हुआ है, बट ये कि आपको कायदे से काम करें। चलिए शेड्यूल ट्राइब्स की बात करी, हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो हैं वो भी आदिवासी महिला हैं एक, तो उसके लिए भी एक बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट ने इस जो बजट है उसमें डाला है कि वो करीब 15,000 करोड़ के आसपास का है, तो क्या लगता है इससे बेनिफिट होगा? बिल्कुल होगा। अब दो चीजें होती है सर, बजट क्या होता है, जैसे अगर मैं बेसिक आम भाषा में बात करूं मेरे पास 100 रुपए आ रहे हैं मैं या 1,000 रुपए महीने में कमाता हूँ, छोटा लेबर हूँ भाई, 1,000 रुपए महीने में कमाता हूँ या 2,000 रुपए, तो मैं उसको कैसे अलोकेट करता हूँ? तो अलोकेशन क्या होता है, मैंने उसको लगा दी भाई मैं 100 रुपए बच्चे को दूंगा अपने, वो अपना खेलता रहे, 200-300 रुपए मैं रसोई में दूंगा, इतने रुपए मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, इतने रुपए अपने खर्चे के लिए, तो बाकी बचा भी लूंगा। तो वही गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट बजट बनाती है, क्यों बनाती है कि भाई मेरी बैलेंस शीट में इतना है, हम लोगों ने इतना आइडेंट अचीव कर लिया है और हमें इतना करना है, तो वो बजट अलोकेट करती है। जब अलोकेट करती है उस फंड को तो उस फंड की पूरी देखरेख भी होती है कि भाई ये फंड उसको पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जब आप आदिवासियों के लिए फंड बना रहे हैं, मतलब आपने सोच रखा है ना, तो आपने ये भी सोच रखा है कि वो फंड कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाना है, तो जब उन तक बेनिफिट पहुंचेगा तो ऑब्वियसली आउटपुट आएगा, अच्छा आउटपुट आएगा।
जहां पहुंच ही नहीं रहे थे। आप ये समझो कि कई सालों से आप आदिवासियों की तरफ पहुंचे ही नहीं थे। आप आदिवासी तो ये भी नहीं जानते थे कि मोबाइल क्या होता है, लाइट क्या होती है। जी एग्जैक्टली, मतलब आप ये समझो कि इतने सालों बाद कई जिले ऐसे हैं, या पिछले साल ही लाइट आई है, पहली बार उन्होंने देखा कि लाइट होती है, कि सूरज के बाद भी लाइट जलती है। ये कितनी बड़ी बात है। करीब करीब 3,000 गांव ऐसे पिछले साल जो आए हैं जिनमें पहली बार आप मोबाइल के, आप आधुनिक हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम एआई की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, अगले बंदे को ये नहीं पता कि भाई ये लाइट भी कोई चीज है, वो एआई क्या समझे। तो वो आदिवासियों के लिए आप समझो, अगर उनको मतलब 1 रुपए का भी बेनिफिट मिल रहा है ना, तो वो कितना खुश होगा कि हाँ यार गवर्नमेंट ने मेरे बारे में सोचा। चलिए ठीक है, आपने अभी बजट की बात करी कि घर में हम बजट को इस्तेमाल करते हैं जिस तरीके से, तो घर की बात करते हैं। एक गृहिणी है, एक सामान्य घर में रहती है, तो वो अपने बजट का निर्धारण करती है कि मैं इतने इस काम में दूध वाले को इतना पैसे मुझे देने हैं। मतलब बजट एक वही है, ये देश का बजट है, वो घर का बजट होता है कि मुझे दूध वाले को इतने पैसे देने हैं, कपड़े वाले को इतने पैसे देने हैं, और सब्जी वाले को इतने पैसे देने हैं, इतने का मुझे ये करना है, इतने का मुझे ये करना, यही करना होता है। और सौभाग्य से इस बार हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी एक लेडी है, तो वो बहुत अच्छे से उस चीज को समझती होंगी। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि क्या एक उस जो आम नागरिक है, वो जो घर की लेडी है, उसको इससे कुछ बेनिफिट है। एक्चुअली क्या है कि इस समय जो है देश में बहुत सारी चीज़ें हैं, चल रही हैं, लोग सबसे ज़्यादा एक चीज़ को कहते हुए मिलते हैं आपको कि महंगाई महंगाई और महंगाई। तो क्या उस महंगाई का इस बजट पर फर्क है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? सर इसमें तो मैं ये बात कहना पसंद करूंगा कि हमारी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कोई भी ऐसी राहत नहीं दी डायरेक्ट वे में जो घर के रसोई की जो बजट है, जो हमारे देश की महिलाओं की कुछ हेल्प कर सके, कुछ कम कर सके, कुछ राहत प्रदान कर सके। क्योंकि उन्होंने इस बजट में ना तो गैस के बारे में कोई बात की है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है, सब्जी वगैरह की बात तो हम ये कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी, इन्फ्लेशन रेट कैसा रहता है, बहुत सारी आर्थिक जो भी होती हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जी। तो उस पर कुछ इस तरीके का नहीं कोई बजट अलॉट किया गया है जिससे कि हम ये कह सकें कि रसोई पे कुछ हेल्प मिलेगी या महिलाओं को कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा, मुझे तो ऐसा नहीं। तो एक आम आदमी की नीड रसोई ही सबसे प्राइमरी नीड है, तो अगर रसोई पर फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर बजट का क्या फायदा? नहीं, रसोई पर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट तो पड़ेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में दो फर्क आ जाते हैं कि अगर जैसे गवर्नमेंट ये चाहती है एक्सपोर्ट को हम प्रमोट करना चाहते हैं, उनका टारगेट ये है कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा रुपए की वैल्यू बढ़ेगी इंटरनेशनल मार्केट में, तो कहीं ना कहीं हर एक आदमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। जब आज आप 2 रुपए में कोई या 100 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हैं, वही चीज अगर 90 रुपए में हो जाएगी कल, तो आपको इम्पैक्ट तो आएगा, बट वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। आप शॉर्ट टर्म में अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता शॉर्ट टर्म में कोई इम्पैक्ट मिलने वाला। नहीं, वैल्यू बढ़ने की आपने बात करी कि अभी हम देखेंगे तो पिछले साल में, एक साल में अगर आप देखेंगे तो यूएस डॉलर के अपेक्षा रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा घट गई है बजाय बढ़ने के। उसका भी एक अगर रीजन अगर हम बात करें, इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखें तो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, गैस की क्राइसिस चल रही है, और अगर आप यूरोपियन कंट्री की बात करें तो उनकी हालत और ज्यादा खस्ता है, क्योंकि जब आप गैस नहीं मिल रही उनको, या उन बहुत सी जगह अगर आप देखें यूरोपियन कंट्री में उन्होंने ये लिमिट लगा दी कि आप लाइट इतने घंटे ही चलाएंगे, जहां हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी अभी एक्सेस है, ऑलमोस्ट सारे गांव-गांव में पहुंच चुकी है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की भी उन्होंने लिमिट लगा दी। तो जब इंटरनेशनल मार्केट में इम्पैक्ट आएगा तो इंडिया बहुत हद तक, मतलब ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही मतलब फर्क ही नहीं पड़ना, फर्क तो पड़ेगा, पर वो उतना नहीं पड़ा जितना पड़ सकता था। अगर मैं ये कहूँ कि स्टेबल है, थोड़ा सा गिरा है मैं मान रहा हूँ, ऐसा नहीं गिरा, बट उतना नहीं गिरा जितना गिर सकता था। चलिए, क्या इस बजट से रसोई पे महंगाई बढ़ेगी? मैं तो उतना कह सकता हूँ, आज जब सुबह मैं जब बजट देख रहा था तो साथ में जो स्टॉक मार्केट है उसका भी आ रहा था, तो अमेरिकन का जो डो जोन्स है वो गिरा हुआ था, और हमारा इंडियन मार्केट सेंसेक्स 500 साढ़े 500 पॉइंट बढ़ा हुआ था। अच्छा, तो सर
अगर सेंसेक्स बढ़ा है, मतलब आप समझो कॉर्पोरेट मान रहा है कि हाँ बजट अच्छा है, कॉर्पोरेट लिए सोचा है, अच्छा हाँ। और रसोई गैस की अगर हम बात करें, हाँ इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में तो मुझे नहीं दिख रहा कि कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, थोड़ा सा बढ़ेगा ही महंगाई अगर आप कहेंगे शॉर्ट टर्म में, पर वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से गवर्नमेंट का बजट है वो अच्छा है। चलिए ये बजट, हालांकि गरीब आदमी पे इसका कोई फर्क बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या गरीब के बारे में, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, उसके बारे में सोचा गया इस बार? जैसे हमारी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है जी, इन्होंने जो सरकार की हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की आवासीय योजना थी जी, उसको भी उन्होंने इस बार बहुत अच्छा उस पर बजट अलॉट किया है उन्होंने, और मैं उसको देख रहा था पिछली बार से, इस बार उन्होंने उसका बजट भी बढ़ा दिया है, और मुझको ये लगता है कि जो पीएम आवास योजना है वो पिछली बार से इस बार 66% उन्होंने बजट बढ़ा के 79,000 करोड़ का, 79,000 करोड़ का इस बार का बजट है। तो मुझे ये लगता है कि लोगों को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुहिम चलाई थी कि सबका घर अपना घर जी, जो इस तरीके की योजनाएं थी, सबको जो घर अलॉट हो रहे हैं जिनके पास घर नहीं है, तो उसके लिए बहुत अच्छा कदम है, और हमने देखा भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है हमारे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे लोगों को घर बने हैं, जो सैनिटरीज थे वो बने हैं, उससे काफी बदलाव आया, और अभी जो ये बजट अलॉट किया हुआ है ये तो ऑलरेडी उससे बहुत ज्यादा आगे 66% ज्यादा है। तो मुझे ये लगता है कि बहुत आने अच्छा वाले समय में जिनके पास घर नहीं है उनको और ज्यादा घर मिलने वाले हैं, बहुत अच्छी सुविधा लोगों को उपलब्ध कराई पीएम आवास योजना में। उन्होंने जब फंड बढ़ाया है तो ऑब्वियसली आवास के लिए उन्होंने सोचा है। चलिए ठीक है, अब रॉयल क्लास की बात करें तो रॉयल को क्या बेनिफिट होने वाला है बजट से? जैसे कि एयरपोर्ट्स की बात करी, उन्होंने एयरपोर्ट्स बढ़ाने की बात करी है, और रेलवे को भी पहले से ज़्यादा फंडिंग दी है, तो क्या इससे कुछ बेनिफिट होगा? सर देखिए, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, जो रॉयल्स हैं, वैसे तो हर आदमी, लेकिन हम कॉर्पोरेट्स की इसलिए बात करते हैं कि वो बिजनेस माइंडेड होते हैं और वो लोग अपॉर्चुनिटीज ग्रैप्स करते हैं, वो ग्रैप्स करना जानते हैं। निश्चित रूप से जब गवर्नमेंट इतना डेवलपमेंट करेगी, एयरपोर्ट्स बढ़ाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगी, तो डेफिनेटली जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स इनसे जुड़े हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से, डेवलपमेंट्स है, एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं, उन सबका फायदा होना है, उनको काम मिलेगा, यहाँ पे अपने रोजगार के और अवसर बढ़ेंगे जी। हमारे यहाँ के जो यूथ आइकन्स हैं उनके लिए भी जो रोजगार की जो समस्या है उनसे भी थोड़ा सा निजात मिलेगा, और डेफिनेटली अगर हम रॉयल्स की बात करें तो उनको तो फायदा होगा ही सर, और होना भी चाहिए जी। आपका क्या मानना है? मेरा मानना यह है कि आप जैसे सरचार्ज की बात अभी आपने पीछे करी थी कि सरचार्ज सर्जी पे चार्ज लगता है, वही बड़े अमाउंट है, आप NCR से ऊपर है आपका, और मतलब बड़े आपको लग रहा है, तो उन्होंने हाईएस्ट रेट जो 37% हमारी हुआ करती थी सरचार्ज की, उसको 25% कर दिया। अच्छा, घटा दिया मतलब यानी कि बड़े व्यापारी को बेनिफिट होगा ना उसका, ऑलमोस्ट आपने 13% घटाया। तो अगर मैं अमाउंट वाइज बात करूं तो 20-25 lakh तक का उनको बेनिफिट मिल गया। आप 37% से 25% पर आ गए तो ऑब्वियसली बेनिफिट है, डबल का इफेक्ट, बहुत इंपैक्ट है, डबल का, तो उसमें है बेनिफिट। आपने ऑलमोस्ट 13% को उन्होंने छूट दे दी, और यहाँ पर अमाउंट जब 1 CR की होती तो 10% क्या 1% भी अमाउंट आपको बड़ा दिखेगा। बिल्कुल, अराउंड 20-25 lakh तक का बेनिफिट है अमाउंट वाइज। ठीक है, तो हमने अभी कृषि की बात की, एग्रीकल्चर की बात की, हमने घर की बात की, एक आम घर में देश के लिए जो सीमा पर लोग खड़े रहते हैं तो उनके लिए इस टैक्स में कुछ है, इस बजट में कुछ है? क्योंकि देश का जो सबसे बड़ा हिस्सा हम समझते हैं कि वो इंडियन आर्मी जो है, इंडियन आर्मी, हमारी तीनों सेनाएं जो हैं उनको मजबूत करना भी होना चाहिए, तो क्या इस बजट में उन्होंने हमारी आर्मी को मजबूत करने के लिए कुछ किया है?
क्योंकि हमेशा हमने देखा कि आर्मी के जो लोग होते हैं उनकी शिकायत ये रहती है कि गवर्नमेंट जो है वो उनके बारे में कम सोचती है, जबकि सबसे ज़्यादा मेहनत, कड़ी मेहनत वो करते हैं, माइनस डिग्री टेम्परेचर में वो खड़े रह करके हमारी सुरक्षा करते हैं और उनके बारे में सरकार नहीं सोचती है। अभी उनके जो पेंशन होती है वो भी ख़त्म कर दी गई, और जबकि मिनिस्टर्स की पेंशन जो है वो अगर एक बार वो सांसद हो गया तो सांसद की भी पेंशन ले रहा है, विधायक हो गया विधायक की भी पेंशन ले रहा है, कोई मंत्री हो गया तो उसकी भी, मतलब उस पर तीन तीन पेंशन चल रही हैं। और जबकि एक आर्मी का जो एक नॉर्मल जो इंसान है उसको पेंशन बंद हो गई, तो क्या इसके लिए कुछ है या होना चाहिए था आपके हिसाब से? मिला जुला इफेक्ट आप ये मान सकते हैं, जैसे सैलरी में 7 लाख का हो गया तो निश्चित रूप से इससे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे जवान हैं, उनको निश्चित रूप से फायदा पहुंचेगा। दूसरी बात अगर हम ये देखें कि हमारे सरकार सोच रही है, अभी आपने कुछ टाइम पहले सुना भी होगा, गवर्नमेंट डिफेंस जो सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट करवाना चाहती है। अब रिसेंटली 200 करोड़ का प्रोजेक्ट उन्होंने सैंक्शन किया कानपुर में गंगा बैराज पे फॉर मेकिंग ऑफ वेपन्स, बॉम्ब्स एंड ग्रेनेड वगैरह। तो डेफिनेटली ये वाला सेक्टर भी गवर्नमेंट पकड़ रही है और इस पर डेवलपमेंट कर रही है, क्योंकि जितने आधुनिक हथियार हमारे जवानों को मिलेंगे उतनी उनकी शहादत कम होगी। और जवान तो सबसे पहली जी पॉइंट है जो गवर्नमेंट सोच के चल रही है, और इसके लिए तो डेवलपमेंट ऑलरेडी चालू हो चुके हैं और अभी बहुत सारी कंपनियों ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, रिलायंस ने लिया है, जो आप अभी जैसे सर बात कर रहे थे CSR, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, इसमें हमारी मिलिट्रीज का भी आता है जी। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट बिल्कुल सोच रही है और जवानों को भी बिल्कुल फायदा पहुंचेगा और मिलना भी चाहिए। फिरोजाबाद की बात करें, फिरोजाबाद चूंकि हमारा होम टाउन है, हमारी ज्यादातर ऑडियंस भी फिरोजाबाद से देख रही है, फिरोजाबाद का जो व्यापारी है, अभी गैस की बात हो रही थी तो उसके जो प्लांट्स हैं वो मूव होके ज़्यादातर गैस में कन्वर्ट हो गए हैं, तो गैस की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो अल्टीमेटली उसको नुकसान होगा, लॉस होगा जी। तो क्या फिरोजाबाद के लिए ये बजट अच्छा था या ख़राब था? हम कह सकते हैं कि सर न्यूट्रल, कोई इसके लिए ना तो कोई रियायत दी गई ना ही कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया। ये कह सकते हैं कि अभी जो ये बजट पेश हुआ ये तो पूरे देश का था। फिरोजाबाद के बारे में सोचने के लिए अभी हम जा सकते हैं आज के बजट में ही। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने आज बजट में ही कहा भी था कि वो क्लस्टर वाइज डेवलपमेंट करेंगे। तो क्लस्टर वाइज डेवलपमेंट करने का मतलब भी यही है कि जैसा कि अगर आप देखें कि फिरोजाबाद जैसा सिटी जहाँ पे कांच का है, तो यहाँ पे ऐसे ग्लास का एक क्लस्टर्स बना के एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर रहा हूँ, ये सब अच्छी चीजें हैं और होना भी चाहिए। लेकिन इस ये कब तक होगा और इसका कितनी जल्दी परिणाम आएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को और भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसा भी आपने बताया, मेन जो यहाँ की समस्या है लोगों की वो है गैस की रेट्स, क्योंकि गैस की रेट्स बढ़ने से जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गई है और उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो गया है, ऑर्डर्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं और बहुत समस्या फेस कर रहा है इस समय यहाँ का एंटरप्राइज। चलिए, तो अब इसको थोड़ा हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं आज की इस चर्चा में। मैं चाहूँगा कि 5 आप आज के बजट से फायदे बताएं जो पब्लिक को होने वाले हैं, और आपसे मैं चाहूंगा कि आप इसके 5 नुकसान बताएं। मुझे नेगेटिव्स जी तो वो उसकी तरफ चलते हैं, तो बस हम एंड करेंगे, लेकिन 5 फायदे और 5 नुकसान क्या क्या हैं? 5 फायदे अगर मैं बात करूं तो पहला फायदा हमारा, जैसे जो नॉर्मल लोगों को पता लग रहा है कि भाई 7 लाख रुपए तक का टैक्स है, न्यूरिज्म में आप कह सकते हैं कि आपको एडिशनल रिबेट मिल गई, जो आपको पहले 5 लाख तक का रिबेट मिल रही थी अब आपको 7 लाख तक रिबेट मिल गई। सेकंड थिंग, जो रॉयल पे आप बताया तो 35% का आपका जो सरचार्ज लग रहा था हाईएस्ट वाला, वो अब आपका 25 अराउंड हो गया। ठीक है, दूसरा बेनिफिट हमारा ये हो गया। तीसरा बेनिफिट अगर आप ये करें कि उन्होंने ऐसे एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए उन्होंने एक
हायर रैंक पे उन्होंने रखा कि भाई हमारा अगला टारगेट हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे इंडिया से। जितना एक्सपोर्ट हमारा प्रमोट होगा मैं ये मानता हूँ कि भाई हमारी इकोनॉमी उतनी ही अच्छी रहेगी। ठीक है, अगर थर्ड में प्लस पॉइंट बात को फोर्थ अगर मैं बात करूं तो इन्होंने देखो सबसे अच्छी बात ये करा है, एक तो ग्रीन एनर्जी पे 35,000 करोड़ ग्रीन एनर्जी जी पर उन्होंने 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए बजट रखा है। ग्रीन एनर्जी की अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई हम पेट्रोल डीजल का सब्स्टिट्यूट देखें, जो कि चूंकि इंटरनेशनली जो भी रुपए गिरने की अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनली हमारी इकोनॉमी प्लस माइनस होती है ना, उसका 60% कारण पेट्रोल और डीजल है क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, है ही नहीं हमारे पास पेट्रोल और डीजल, हम पूरा पूरा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इसका सब्स्टिट्यूट जो ढूंढ रही है कि भाई हम हाइड्रोजन पे चलाएं, हम इथोल पे चलाएं या हम अदरवाइज जो भी इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना है, उसमें 35,000 करोड़ बड़ा अमाउंट है ग्रीन एनर्जी सीएनजी पे चलाएं, इलेक्ट्रिसिटी पे चलाएं, किसी मतलब एक सब्स्टिट्यूट, एक बेटर सब्स्टिट्यूट चाहिए गवर्नमेंट को कि उससे आगे हमारे को प्लस पॉइंट मिले। तो ये फोर्थ अगर मैं बात करूं तो फोर्थ हमारा ये हो गया। और लास्ट वन अगर मैं इसकी बात करूं कि जीडीपी अगर हम बात करें तो जीडीपी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज 33% 10 लाख करोड़ से हमारी जीडीपी हमारी इंक्रीज हुई है। ये एक कह सकते हैं कि 10 लाख करोड़ एक छोटा अमाउंट नहीं है, एक पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी इसमें खत्म हो जाएगी इसने हमारी ग्रो कर गई। तो ये भी हमारा एक बजट का एक अच्छा वो है तो कह सकते हैं। चलिए ठीक है, पांच नुकसान क्या है? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर खुद महिला है, महिलाओं के लिए उन्होंने हालांकि उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट स्कीम निकाली है जिसमें 2 लाख रुपए तक का महिला इन्वेस्ट कर सकती है और उस पर उनको 7.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन साथ में ये है कि जैसे बताया कि जो सर्वाधिक महिला है जिस घरेलू महिला है वो जैसे गैस एलपीजी के गैस वगैरह उसके बारे में बजट में कहीं पर भी कोई राहत नहीं दी, कोई चर्चा नहीं हुई। एक माइनस पॉइंट मैं ये कहूंगा जी। दूसरा माइनस पॉइंट मैं इसको भी कहना चाहता हूं कि अभी जैसे बात जो हो रही थी आपने कहा हमारे जो जवान लोग हैं जो सेना बॉर्डर्स पर गड़े हुए हैं उनके लिए कोई विशेष योजना है, उनकी पेंशन खत्म कर दी, इस तरीके की योजनाएं उनको कम जो कम की हुई है उस पर अधिक ध्यान देना चाहिए, उनको और बढ़ाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि जवान मुझे लगता है कि हर जवान बहुत उसकी लाइफ को या उसके बलिदान को हम लोग कभी भी माप नहीं सकते, मतलब वेरी प्रीशियस असेट ऑफ अवर कंट्री। तीसरा मैं ये कहूँगा इनकम टैक्स में अगर आप आए तो जैसे उन्होंने सिर्फ नए टैक्स रिजिम में सिर्फ छूट दी है, पुराने टैक्स रिजिम में कुछ भी नहीं किया, तो मुझे लगता है कि ये शायद थोड़ा सा गलत है क्योंकि आज भी 90% से ऊपर लोग ओल्ड रिजिम में ही इनकम टैक्स रिटर्न्स भरते हैं और क्योंकि इससे ये वो जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट्स को वो नहीं देना चाहते, प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने नए को दिया है ओल्ड में भी दीजिए, थोड़ा ही दीजिए लेकिन दीजिए जरूर जिससे कि एक इक्वालिटी का समावेश बना रहे जी। चौथा आपने जो हायर इंडस्ट्रीज हैं उनको आपने सब चार्ज कम कर दिया वो कर दिया लेकिन उसके बदले में उनके ऊपर कोई आप और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते, उससे मतलब एक तो ये तो समझ में आता है कि आपके ऊपर टैक्स बर्डन कम होगी लेकिन उस टैक्स बर्डन का जो उनको बेनिफिट मिल रहा है तो उसके बदले में व्हाट दे विल डू कुछ इस तरीके की चीजों का कोई लायबिलिटी देनी चाहिए थी, बिल्कुल देनी चाहिए। और अभी मैं यही कहूंगा जैसे सीएसआर है उस तरह से है ना जी बिल्कुल जी, जिससे कि लोगों को भी एक पता चले। और पांचवी मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से अभी आपने क्लस्टर वाइज जो छोटे छोटे हमारा देश बहुत बड़ा है और हर देश पे अलग अलग हिस्से में अलग अलग चीजें अपनी अपनी के अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं हर किसी स्पेशलाइज्ड जी और हर जगह एक स्पेशलाइज चीज बनती है जी। तो अगर गवर्नमेंट उसको ध्यान दे और उनको प्रमोट करे हर चीज को लेकर तो मुझे लगता है कि आज भी हमारे इंडिया में इतनी कैपेबिलिटीज है कि हम पूरे वर्ल्ड को रूल कर सकते हैं, वी कैन बी अ इकोनॉमी मास्टर ऑफ दिस वर्ल्ड। और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो ये एक सपना है ड्रीम है
ये हम बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं अगर कुछ चीज़ों पे और ध्यान दिया जाए। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच आपका आज की चर्चा में दोनों अंशुल जी का जुड़ने के लिए। आशा है आपको आज की जानकारी जो है वो पसंद आई होगी, और आज जो अंशुल अग्रवाल जी और अंशुल जैन जी ने जो हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट के तौर पर हमने आज यहाँ बुलाए थे, और बजट पर जो मंथन हुआ है उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और पसंद आई है तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि बाकी लोगों तक आज के इस बजट की जानकारी पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए सर, धन्यवाद, शुक्रिया।